कुमकुम भाग्य। देखो मेरी बात सुनो, गिटार में जो भी करना है आज ही फिक्स करना है, कल लेट हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, समझे तुम? हाँ ठीक। ओह नो, इन दोनों ने तो सब सुन लिया। मुझे भी पता है कि तुम प्रज्ञा हो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इकरार करने से डरती हो, पता नहीं क्यों। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो, ये सब तो इसी बात का तो सबूत है। तुम्हें आटा लगा ना तो तुम जा सकती थी पहले बाथरूम। अरे उन्हें भी तो आटा लगा ना, इसलिए दादी ने बोला कि वो वहां जाएंगे, मैं यहाँ जाऊँ। एक मिनट, उन्हें आटा लगा है मतलब तुम दोनों को आटा लगा है? ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो किचन में आटा गूंद रही थी। उन्हें पता नहीं क्या सूझी, किचन में आए और मेरे साथ आटा गूंदने लगे। अगर वो प्रज्ञा दी है तो उनकी बॉडी भी प्रज्ञा दी जैसी होगी ना। ऐसी है। उनका कोई बर्थ मार्क होगा, मार्क होगा, जाके ढूंढिए। अगर वो प्रज्ञा दी है तो कोई ना कोई मार्क मिल ही जाएगा ना। लेकिन अब तक बात तो बात पहुंची नहीं ना। जीजू सोचिए ना, याद होगा कुछ तो कोई तो मार्क होगा ना। आपने तो मुझे जुबान दी है कि मैं आपका काम कर दूंगा तो आप मुझे नहीं मारोगे। जुबान तो सिर्फ मर्दों की होती, औरतों को कभी जुबान रखते हुए देखा है आपने? ठीक है, इस बार मैं जुबान रखने का एक एग्जाम्पल सेट करती हूँ, मैं आपको नहीं मारती। देखे ना, ये बच्ची पहले ही अनाथ है, आपको मार दिया तो पूरी तरह अनाथ हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपको मारूं। लेकिन अगर ये राज की बात बाहर गई तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी जान लेने में और इस बच्ची को उड़ाने में। इसलिए गलती से भी ये राज यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा एक आदमी 24 घंटे तुम पर निगाह रखेगा, बाहर खड़ा रहेगा। अगर प्रज्ञा का वफादार बनने की कोशिश की ना तो पता है ना मैं क्या करूंगी? ओहो, आप मर्दों की ना एक प्रॉब्लम होती है, बाल की खाल तो निकाल लेते हैं पर बाल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इतना आसान सा सलूशन है, आप इतना सा सोच लेते ना तो इतना सब कुछ नहीं सोचना पड़ता। कंफ्यूज कर रही हूँ मुझे, क्या बाल की खाल कैसे निकालेंगे आप? यार दिशा थोड़ा इजी में बताओ ना। सिंपल से शब्दों में बताती हूँ, अगर वो प्रज्ञा दी है तो उनकी बॉडी भी प्रज्ञा दी जैसी होगी ना। ऐसी है। उनका कोई बर्थ मार्क होगा, मार्क होगा, जाके ढूंढिए। अगर वो प्रज्ञा दी है तो कोई ना कोई मार्क मिल ही जाएगा ना। लेकिन अब तक बात तो बात पहुंची नहीं ना। कैसे? जीजू सोचिए ना, याद होगा कुछ तो कोई तो मार्क होगा ना। बताना तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है? आप मेरी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ मानती हूँ, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ नहीं पता ना। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ जो सिर्फ तुम जानती हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, और आज की बात सिर्फ मैं जानूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो खुली किताब, जब चाहे पढ़ लीजिए, सब कुछ जान लीजिए। कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ। अपनी स्टडीज तो बोरिंग है, बॉडी के बारे में बताओ, मतलब कोई तिल विल कुछ, एनीथिंग यार। आप ना कुछ भी बोलते, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अरे ऐसा क्या बोल दिया, तुम्हें बुरा लगा क्या? बुरा नहीं, वो शर्म आती है मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं बताऊं, मैं चला। अरे नहीं नहीं, आप जा क्यों रहे, मैं बताती हूँ। ओके। तिल, लेफ्ट शोल्डर पे तिल। लेफ्ट शोल्डर, ये तो बहुत ही अच्छा।
कैसा लगा? अच्छा था। और अच्छा हो सकता है? आप और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए। अरे क्या? आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आती हूँ। अरे शिट, ये तो जा रही है, अब दिल कैसे देखूंगा? नहीं, इसे तो रोकना होगा। क्या गिराया आपका? अरे वो मैंने नहीं गिराया, अपने आप गिर गया, पता नहीं। फ्लाइंग पेन। आज अपने आप बहुत चीजें हो रही है। क्रेजी, स्कैरी। स्कैरी क्या, उठाइए। अरे मैं कैसे उठाऊं, मेरे हाथ में? ठीक है, मैं उठा लेता हूँ, गिटार टूट जाएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप गिटार का ख्याल रखिए, मैं उठाती हूँ। काम में कोई मदद तो करते नहीं है, काम बढ़ा और देते। वहाँ पर और है। यस, अब ये इसे उठाने के लिए झुकेगी और मैं दिल देख लूंगा। मैम, बोलो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये कोई टाइम है किसी के कमरे के अंदर आने का? हमेशा गलत टाइम पर आ जाती हो तुम। गलत टाइम? मेरा मतलब है कि गलत तरीके से अंदर आ जाती है। किसी के कमरे के अंदर घुसने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? नॉक करते हैं ना? बिना नॉक किए किसी के कमरे के अंदर कैसे आ सकती हो तुम? सब वो मुझे दादी जी ने बोला कि आप दोनों को नीचे बुला कर ले आऊं। क्या कहा दादी ने? कि सीधा कमरे के अंदर चले आना, फिर चाहे कोई लेटा हो, बैठा हो, चेंज कर रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो, उससे तुम्हें क्या? पता है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में घुसने से पहले भी ये लोग पूछते हैं, मैं कमिंग मैडम। तुम्हें कैसे पता होगा? स्कूल गई हो तुम कभी? हाँ, तुमने चेक किया इसकी क्वालिफिकेशन, आइडेंटिटी? कुछ फेक डिग्री लेकर आई है? मैं तो बोल रहा हूँ फेक आइडेंटिटी लेकर आई है। बस बस, क्या कर रहे हैं आप? क्यों इतना डांट रहे हैं? इतनी बड़ी गलती है नहीं, डर गई है बेचारी। बेचारी नहीं है, बीमारी है। इतने कम टाइम में जुकाम भी दे दिया मुझे। तुम बताओ मुझे, कौन हो तुम? दुश्मन हो ना मेरी? क्या कर रहे हैं आप? जल्दी कीजिए दादी। तुम इसी तरह हिलती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। एक तो मुझे तुम अब ये फोन उठाओगी और अभी के अभी इसे अनलॉक करके मुझे बताओगी कि इस फोन में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। आई एम श्योर तुम्हारे झूठ का वेद कपूर के फोन में ही दफन है। इस रिश्ते में सफाई देने का यह आखिरी मौका है। पूछो। ये आ गया हीरो। अच्छा हुआ तो तू भी आ गया। मैंने हमेशा एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया है और आज जब मेरी कोख में इस घर का चिराग पल रहा है तो इन्होंने मुझे एक पल में चरित्रहीन कह दिया, घर से धक्के मार के निकाल दिया। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये घर, ये जायदाद सब कुछ तेजस्विनी का है। हमारी एक कंप्लेंट और ये पूरा राठौर खानदान जेल के अंदर। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना, क्योंकि तुम्हें हमेशा से प्रीता पसंद थी, मैं नहीं। Enough, Shalin, enough. You can't insult my family like this. अगर तुम्हें क्लब चलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं हमारे बीच का ये रिश्ता यहीं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतने सालों से मैंने तेरी सेवा की, उसी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है, समझा? चुपचाप मुंह बंद कर और साइन कर। अरे किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, जो कुछ मेरा है। आदि, साइन कर। अरे नहीं, नहीं करूंगा मैं। डेयर यू।